आज मैं दोस्तों आपको टाइल को साफ करने का तरीका बताऊंगा। टाइल पर चाहे कितने भी खतरनाक दाग लग जाएं, चाहे दोस्तों मार्बल ही क्यों ना हो उस पे भी दाग लग जाएं, तो दोस्तों मार्बल को भी घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दाग को छुटा सकते हैं। टाइल खराब है, दाग लग गए बहुत ज्यादा, उसको दोस्तों चुटकियों में छुटा सकते हैं। बहुत लोग तो पान उठ कर खा करके थूक देते हैं, वो दाग को ना टाइल अपने अंदर खींच लेती है, तो उसको भी दोस्तों क्लीन करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को कहीं से भी दोस्तों स्किप नहीं करना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर घर के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, हर किसी के काम आने वाली है, क्योंकि लगभग लगभग हर घर में टाइल मार्बल होता ही है, तो दोस्तों हमें उसकी सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कटोरी ले लिया मैंने, ठीक है, और देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर ले लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 ढक्कन वाइट क्लीनर ले लिया है। दोस्तों वाइट क्लीनर आपको किराना स्टोर पर मिल जाएगा बाजार में, वाइट क्लीनर जो कि टाइल मार्बल को चमकाने में मदद करता है, साथ ही साथ दोस्तों परफ्यूम मेट का भी काम करता है, यानी कि खुशबू का भी। यहाँ पे देखिए मैंने आधा नींबू लिया है रस भरा हुआ, इसके बीज निकाल लेने हैं। चलिए इसी में गिर गए कोई दिक्कत नहीं, नींबू के अंदर भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड होता है जो कि दोस्तों गंदगी को छुटाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। चलिए देखिए हमने ना एक पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, पहले की तरह जैसे मैं बताता हूँ कि कभी भी दोस्तों किसी भी चीज़ को साफ करने से पहले उसको गीला कर लेना है। देखिए मैंने पानी मार लिया है, अब इस दोस्तों इसी को हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एरिया दोस्तों मैं बता रहा हूँ केवल करके, देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है, चाहे तो आप बर्तन साफ करने वाला जूना भी ले सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से इसको रगड़ना है, टाइल को ऐसे कर देगा दोस्तों जैसे अभी टाइल को नया लगवाया हो। अब ये दोस्तों एसिड का भी बाप बन गया है जो कि मैंने रेमेडी तैयार किया है। जिस जिस एरिया में दोस्तों गंदगी है वहाँ पे इसको डाल करके रगड़ लेंगे, चाहे तो ब्रश भी ले सकते हैं टॉयलेट साफ करने वाला। चलिए अब इसको हम धो के चेक करते हैं, अभी देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल दोस्तों चकाचक हो चुका है। देखिए इतना एरिया हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है दोस्तों, तो ये रेमेडी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर है और किसी भी टाइल या मार्बल को साफ कर सकते हैं दोस्तों इसी तरह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।